नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत से लोग तो करते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि उसका इस्तेमाल किस टाइम पे कितनी मिकदार में किया जाए और उसका फ़ायदा किस किस बीमारियों में कैसे हो सकता है। तो आज हम आपको उन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि वो आपकी स्किन के लिए, आपके मैदे के लिए, आपकी बहुत सी बीमारियों के लिए कैसे कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महवेश इदरीस है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ और मैं इवॉन एस्थेटिक सेंटर में एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले तो नींबू पानी का अगर हम इस्तेमाल करें तो वो बनता कैसे है। बहुत से लोग इसको बनाते हैं जिसमें कभी उसमें कोई सोडा मिला दिया, कभी उसमें कोई चीनी मिला दी, तो वो जो उसका फ़ायदा है उसकी बनिस्बत आपको नुकसान मिलना शुरू हो जाता है। नींबू पानी का मेन मकसद ही ये है कि आपने नॉर्मल लीक वार्म पानी लिया और उसमें एक लीमू निचोड़ दिया, ठीक है। बेसिकली वो क्या काम करता है, एक तो आपकी जो भी आप खाना खाते हैं उसके हाजमे में मददगार साबित होता है। हमारा मैदे में बहुत ज़्यादा तेजाबियत पाई जाती है, वो तेजाबियत कुछ हद तक फ़ायदेमंद भी होती है और नुकसानदेह भी होती है। फ़ायदा ये देती है कि जो हम खाना खाते हैं उसकी ब्रेक डाउन में, उसको तोड़ने में, ताकि वो हमारी बॉडी में लग जाए, उसमें मददगार साबित होती है। लेकिन अगर वो तजाबियत कम होना शुरू हो जाए तो वो खाना हज़म नहीं हो रहा होता। तो जो लोग लीमू पानी का इस्तेमाल करते हैं वो मैदे की तजाबियत को भी कम करता है और वो खाना हज़म करने में भी मददगार साबित होता है। फिर अगर हम इसकी फ़ायदा स्किन की बात करें तो लीमू है, लीमू में विटामिन सी पाया जाता है, अब वो पानी भी मिल रहा है। विटामिन सी आपके स्किन की कोलेजन की सिंथेसिस करता है, आपको लाइटनिंग की तरफ लेके जा रहा होता है और आपको झुर्रियों से बचाता है और आपकी स्किन का कलर बेहतर करता है, जो आपको बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है, बहुत रफ़ हो रही होती है, उससे बचाता है। फिर अगर हम यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड में जिन लोगों को जोड़ों के दर्द का बहुत ज़्यादा मसला होता है वो लीमू पानी का इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए मैजिकल साबित होता है। दवाई तो साथ में चल ही रही होती है, लेकिन अगर वो दिन में 3 दफ़ा लीमू पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जोड़ों की दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि वो यूरिक एसिड को कम करना शुरू कर देता है। वो लोग जिन लोगों को गुर्दों में पथरी की शिकायत होती है उनके लिए लीमू पानी बहुत मददगार साबित होता है। वो इस तरह से एक तो पानी जब पीना शुरू करते हैं साथ में लीमू का इस्तेमाल होता है तो आपके जिस्म से पथरी को खारिज करने में बहुत मददगार साबित होता है। तो एक तो पानी ज़्यादा पिए ताकि आपकी गुर्दे सही से काम करना शुरू हो जाएं, आपके गुर्दों का जो काम है फिल्ट्रेशन का काम है, जिसको हम कहते हैं कि आपकी गुर्दा एक छन्नी की तरह है, आपकी बॉडी में से जो गैर ज़रूरी मादे हैं उनको निकालने में मददगार साबित होता है। अगर आपके गुर्दे सही से काम करेंगे तो बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जिसमें शुगर हो गया है, डायबिटीज़, आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, तो वो कम होना शुरू हो जाते हैं। लीमू पानी का हर कोई इस्तेमाल तो करता है, लेकिन मेरे ख्याल से जो वज़न कम करना चाहते हैं वो सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि लीमू पानी आपके मेटाबॉलिज़म को बहुत तेज़ करता है। मेटाबॉलिज़म आपका तेज़ होगा, आपके हज़म होना शुरू हो जाएगी, वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होगा तो आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसका इस्तेमाल अब किस टाइम पर किया जाए, वो लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं वो सुबह उठ के निहार मुँह नीम गर्म पानी में अगर लीमू का इस्तेमाल करेंगे तो उनका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज़म फास्ट होना शुरू हो जाएगा। मेटाबॉलिज़म मींस आपका हाजमा, आपका जो आप खाना खा रहे हैं उसका हाजमा तेज़ होना शुरू हो जाएगा, ताकि वो आपकी बॉडी में या आपके जिस्म में स्टोर नहीं होगा, वो आपकी जिस्म को एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। गर्मियों में बहुत से लोगों को पानी की कमी हो जाती है, अगर पानी की कमी हो जाए तो उनकी स्किन भी ख़राब होना शुरू होती है और वो सही से उनकी जिस्म काम भी नहीं कर पा रहा होता। तो अगर वो लीमू पानी का इस्तेमाल करेंगे एक तो पानी की कमी भी पूरी होना शुरू हो जाएगी, उनके गुर्दे भी सही से काम करेंगे, स्किन भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे जिस्म में 60 से 65% हमारा पानी होता है। अगर पानी की कमी होगी तो ना हमारे सेल काम करेंगे, ना हमारा जिस्म काम करेगा, ना हमारा कोई ऑर्गन काम करेगा। इसलिए पानी की कमी को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली गर्मियों में। गर्मियों में जैसे हमें पसीना आता है, हमारा पानी खारिज ज़्यादा होता है, हम यूरिन ज़्यादा कर रहे होते हैं और उसकी वजह से हम पानी ज़्यादा नहीं पी रहे होते, तो बहुत सी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको गुर्दों का मसला हो सकता है, आपको स्किन का मसला हो सकता है। तो कोशिश करें कि गर्मियों में और सर्दियों में भी पानी का इस्तेमाल, और अगर उसमें लीमू पानी का इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है आपके लिए। अब बहुत से लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम इसका इस्तेमाल कब करें, अब कितनी मकदार में करें, तो उनके लिए ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोशिश करें या तो निहार मुँह लें, अगर निहार मुँह नहीं भी ले रहे तो कोशिश करें खाने से 1 घंटा पहले लें, खाने के बाद इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि खाने के बाद अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। जो आपको फ़ायदा
पहुँचेगा वो फ़ायदा पहुँचने की बजाय आपको नुकसान पहुँचना शुरू हो जाएगा। इसीलिए खाना खाने से आधे घंटा पहले, अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हैं तो दिन में 3 टाइम लीमू पानी का इस्तेमाल खाना खाने से 1 घंटा पहला आप कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा। और अगर आप बाद में पियेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा।